यह केकड़ा दक्षिण पश्चिमी महासागर और हिंद महासागर में पाया जाता है, जिसे लोग दत्त केकड़ा भी कहते हैं, क्योंकि यह केकड़ा सामान्य केकड़ों से काफ़ी बड़ा होता है। एक वयस्क दत्त केकड़ी की लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है, जबकि उसका वजन 4.5 किलो के आसपास होता है। दत्त केकड़ों की नुकीली टांगें काफ़ी मजबूत होती है। यह नारियल की बाहरी कवच जो बेहद मजबूत होता है उसे तोड़ सकता है। कभी कभी ये केकड़े नारियल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और नारियल गिरा देते हैं। इस खूबी की वजह से इन्हें कोकोनट क्रैब भी कहा जाता है। कहते हैं कि दैत्य केकड़े अपने मजबूत और नुकीली कांटों से इंसान के हड्डी तक तोड़ सकते हैं। इनके अंदर 3300 न्यूटन बल की ताकत होती है। कोकोनट क्रैब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि समय के साथ इनका रंग बदलता जाता है। जब ये केकड़े युवावस्था में होते हैं तो भूरे रंग के होते हैं और इनके पैरों पर काली धारियां होती है। जब ये वयस्क हो जाते हैं तो हल्के बैंगनी या काले रंग के हो जाते हैं। हालांकि कुछ केकड़े भूरे रंग के भी रह जाते हैं। कोकोनट क्रैब सड़ी गली चीज़ों को खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। वे सड़ी हुई पत्तियों से लेकर सड़े हुए फल और यहाँ तक कि अन्य केकड़ों के कवच तक को खा जाते हैं। इन केकड़ों के अंदर सूंघने की मजबूत क्षमता होती है। यही वजह है कि ये केकड़े अक्सर रात के अंधेरों में ही खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। कोकोनट क्रैब को चोर केकड़े भी कहा जाता है, क्योंकि ये अक्सर सामानों को इधर उधर कर देते हैं। तो फ्रेंड, ये थी कोकोनट क्रैब के बारे में। तो फ्रेंड, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।